इसराइल हमास युद्ध को 9 महीने से भी ज्यादा समय बीत गया है, बावजूद इसके जंग के भविष्य की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। इजरायली सेना गाजा युद्ध के अलावा ईरान समर्थित अन्य चरमपंथी समूहों के हमलों का भी शिकार बन रही है। हाल ही में इसराइल का लेबनान के साथ तनाव चरम पर पहुंच गया था। इस बीच यमन के हूतियों ने भी सीधा ड्रोन हमला कर इसराइल को एक नए फ्रंट पर उलझा दिया है। इजरायली सेना पिछले काफी महीनों से कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध में जूझती नजर आ रही है। बावजूद इसके इजरायली पीएम सीज फायर के मुद्दे पर किसी नतीजे पर पहुंचते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इजरायली सरकार के जिद्दी रूप को देखकर इजरायली जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। लंबे खिंचते युद्ध से त्रस्त हो चुकी इजरायली जनता काफी समय से युद्ध रोकने की मांग कर रही है, मगर इजरायली पीएम हमास के खात्मे वाले अपने पुराने संकल्प पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा एक बार फिर फूटा। देर रात प्रदर्शनकारी इजरायली शहरों की सड़कों पर उतर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इजरायली पीएम से बड़ी मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू से अमेरिकी दौरे पर जाने से पहले सीज फायर प्रपोजल को मानते हुए युद्ध रोकने की अपील की। दरअसल अभी भी बड़ी संख्या में इजरायली लोग हमास के कब्जे में हैं। बंधकों की रिहाई न करा पाने से भी नेतन्याहू सरकार बैकफुट पर है। प्रदर्शनकारी नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग करने पर लगे हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शन को विपक्षी पार्टियों से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में इजरायली झंडे देखे गए तो कईयों के हाथों में बंदूकों की तस्वीर दिखाई दी गई। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव में इजरायल के सैन्य मुख्यालय के सामने कहा कि इजरायली पीएम नेतन्याहू बंदी बनाए गए लोगों के परिवारों और हमास लड़ाकों के बीच में खड़े हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि नेतन्याहू और उनकी सरकार बंदकों को छुड़ाने और देश को चलाने में पूरी तरह से विफल रही है। खास बात है कि ये प्रदर्शन ऐसे समय हुए हैं जब बंदकों की रिहाई और गाजा सीज फायर के लिए इसराइल और हमास ने समझौते के लिए एक सुर मिलाया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला कर 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। करीब आधे बंधकों को हमास अब तक छोड़ चुका है, जबकि 41 बंधकों की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी भी उसके कैद में करीब 116 इजरायली नागरिक हैं। उन्हीं के परिजन इन प्रदर्शन में शामिल हैं। नेतन्याहू ने हाल में सीज़फ़ायर समझौते में नई मांग रखी है। इसमें मिस्र से गाजा तक हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए IDF की तैनाती शामिल है। इसके अलावा सशस्त्र फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा में लौटने से रोकना भी शामिल है। माना जा रहा है कि इसराइल की नई मांगों से एक बार फिर हमास से बातचीत की गति सुस्त पड़ गई है। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने इसराइली अधिकारी के हवाले से बताया कि मेज पर एक सौदा है जो कई हफ्तों से बंद होने के लिए तैयार है। हम आज यहाँ खड़े हैं एक और बर्बाद सप्ताह के बाद, जिसमें नेतन्याहू ने फिर से समझौते पर पानी फेर दिया और अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। बहरहाल इजरायली जनता की मांगों और अपीलों को दरकिनार कर इजरायली पीएम अमेरिका रवाना हो गए। ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि अमेरिका से लौटने के बाद नेतन्याहू कितनी तेजी से युद्ध विराम के लिए कदम बढ़ाते हैं।